हाँ जी जजनेन्द्र दोस्तों, ये सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की फर्स्ट क्लास है। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले मुझे नहीं सुना होगा या जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अनुराग जैन है। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी और लास्ट 10 ईयर्स से मैं सीएस के स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ दीप ज्ञान क्लासेस के ब्रांड के अंडर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से बुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी और हम लोग ICSI के रेफरेंस बुक को ही रेफ़र करेंगे मेनली। तो आप लोगों को हर वीडियो में दो काम करने हैं, एक तो आपके माइंड में ये ICSI की आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए और दूसरा आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से कॉपी और पेन बनाइएगा लीजिएगा। मतलब हम जो यहाँ पर आपको लिखवाते जाएंगे, जो यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, राइट। अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे सारे नोट्स प्रोवाइड करने की, सारे MCQs प्रोवाइड करने की, जिसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन फिर भी आपको अपनी कॉपी भी बनानी है। देखिए जितना आप खुद से लिखेंगे, ये मेरा लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट खुद से अपने हाथों से लिखता है उसको चीज़ें ज़्यादा याद रहती है और वो एग्ज़ाम जल्दी क्लियर कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दूं। देखिए हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है। आपने शायद फर्स्ट वीडियो देखी होगी, वहाँ पर क्लियर कट बताया हुआ था कि हर सब्जेक्ट, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वहाँ क्लियर कट बताया हुआ था कि हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है। ये देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स। लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर हमने देखा था कि वाइवा वो से भी है। वाइवा तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, राइट। बस डिफरेंस ये होगा कि एक्चुअल में वाइवा कोई टीचर लेता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर आपका वाइवा लेने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाएगी, लिसनिंग स्किल्स चेक की जाएगी, राइट। रिस्पॉन्स टाइम आपका चेक किया जाएगा, तो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फीड होगा सारी चीज़ें, तो वो कंप्यूटर से वॉइस निकलेगी, आपको ध्यान से सुनना है और उसके बेसिस पर आपको आंसर करना है। मतलब कोई भी टीचर या इंडिविजुअल आपका वाइवा नहीं लेने वाला। तो आपका यहाँ पर 30 मार्क्स का वाइवा होगा और 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, 35 35 35 15, इस तरह से क्वेश्चंस इन्होंने डिमार्केशन की हुई है। 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के कैसे आएंगे, हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली आपके 20 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे और 15 क्वेश्चंस 2 मार्क के होंगे, राइट। तो 20 प्लस 30 50 हो जाएंगे 50 मार्क्स। तो इसी तरह यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपके 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे और 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। ठीक है, 30 मार्क्स आपके वाइवा के है ही। आ जाइए जी, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, पेपर आपका MCQ बेस्ड होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। MCQ बेस्ड का मतलब आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दी जाएगी और उसमें से कोई एक आपको टिक करना है, जो करेक्ट होगी वो आपको टिक करनी है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? द आंसर इज़ नो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एट प्रेजेंट। पेपर कैसे दिया जाएगा? जो ICSI के डेडिकेटेड कंप्यूटर सेंटर्स होंगे वहाँ पर आपको जाना होगा, वहाँ पर बैठकर कंप्यूटर पे आपको पेपर देना होगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो चीज़ भी हम लोग आपको आगे जाकर बता देंगे। ठीक है जी, आ जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखिए इसके अंदर दो पार्ट्स में आपका ये पूरा सब्जेक्ट डिवाइडेड है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स है? कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज, जिसके अंदर हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लॉ ऑफ टोर्ट्स है, फिर जी एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, मीन्स लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द कंपनी सेक्रेटरीज, फिर ये एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ लीज। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया लीगल एप्टीट्यूड। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आ गया लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारा हमारे पास। तो ये काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है,
और आई थिंक अगर आप 12th क्लियर करके सीएस एग्जेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप लोगों को शायद लॉ की नॉलेज नहीं होगी। तो आज की क्लास का मेन मोटिव देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट को थोरली स्टडी करूं तो यहाँ पर आईसीएसआई की इंटेंशन है कि बच्चे को लीगल सेंस होनी चाहिए, बच्चा लॉ को पढ़ सके, लॉ को समझ सके, लॉ को समझकर करंट सिचुएशन पर अप्लाई कर सके, ताकि ये समझ में आ सके कि इस केस के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल है तो ये आउटपुट आना चाहिए, ये डिसीजन होना चाहिए, राइट। तो एटलीस्ट आपको लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए बेयर एक्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए लॉ का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, लॉ इंडिया में कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आज की क्लास में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, और ये जो बताने वाला हूँ मान के चलिएगा पूरे सीएस एग्जेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपका बेस है, इसी के बेसिस पर आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं, राइट। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना पता है सीएस के बारे में, कि सीएस क्या होता है या क्या नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को उस बारे में भी बता देता हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडमिशन तो ले लेते हैं किसी कोर्स के अंदर, सीए में ले लिया, सीएस में ले लिया, लेकिन जब हम एडमिशन लेते हैं हम लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है, जो मैंने अपनी फेस टू फेस क्लासेस के बच्चों से एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि यार ये सीएस है क्या। एडमिशन तो ले लिया, क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन एग्जैक्टली पता ही नहीं कि एक्चुअल में ये है क्या, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज दे देता हूँ कि व्हाट इज़ कंपनी सेक्रेटरी, हु इज़ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए, तो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक तो कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन के बारे में नॉलेज दूंगा, और दूसरा मैं आपको सबसे पहले लॉ के बारे में बताऊंगा कि लॉ क्या होता है, कैसे बनाया जाता है इंडिया के अंदर, लॉ के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और आपको लॉ को पढ़ना कैसे है। जब तक आपको उस चीज़ की सेंस नहीं होगी जिसे मैं लीगल सेंस कहूँगा, तब तक आई थिंक लॉ समझना बहुत मुश्किल है, और एटलीस्ट ये एग्ज़ाम क्लियर करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब आपके पास सारा जो पेपर है वो सिर्फ आपके रटे रटाए पोर्शन में से नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं लीगल रीजनिंग की, हम बात कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की, हम बात कर रहे हैं वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो भैया माइंड तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल यहाँ दिखा रखे हैं 269 से ज़्यादा पेजेस हैं, राइट। लास्ट जो चैप्टर है हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग, ये उसका स्टार्टिंग ही 269 से है, और जो रटा रटाया पोर्शन होना चाहिए वो तो 97 पेज पर ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो सारी, मतलब 133 पेज पर ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो सारी की सारी लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग यही चल रहा है, राइट। तो बहुत बड़ा पार्ट, मतलब 50 में से 25 मार्क्स का रीजनिंग के ऊपर आने वाला है। तो जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप डीपली लॉ को नहीं समझोगे, तब तक क्लियर करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। तो सबसे पहले कि ये सीएस है क्या, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज। देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रोफेशन का जन्म कहाँ से हुआ। भाई, जिस प्रोफेशन में आप लोग जा रहे हैं, जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो जी, कंपनी समझते हैं आप, कंपनी वर्ड आप लोगों ने कंपनी वर्ड तो सुना होगा, रिलायंस एक कंपनी है, टाटा कंपनी है, राइट। देखिए, कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करती है पैसा। आप चाहो तो रिलायंस के शेयर्स परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो टाटा के शेयर्स परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो मारुति के शेयर्स परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो एसबीआई के शेयर्स परचेज कर सकते हो, राइट। तो जो आप शेयर्स परचेज कर रहे हो, बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन द कंपनी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, राइट। लेकिन जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो कंपनी के अंदर, तो क्या आपके पास कंपनी की डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट करने का राइट आता है? द आंसर इज नो। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस आपके सिलेबस में है, इसी सब्जेक्ट में है, तो डीपली समझेंगे। फॉर द टाइमिंग मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए।
जब बहुत सारे लोग, मतलब हजारों लोग, लाखों लोग जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उन लाखों लोगों को उस कंपनी के बिजनेस में डे टू डे पार्टिसिपेट करने की परमिशन होती है? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर हम लोग हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एक बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देंगे तो काम हो ही नहीं सकता। हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान की अपनी समझ होती है, हर इंसान चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, जो मैं कहूँ उसी हिसाब से बिजनेस को किया जाना चाहिए। और अगर उसके हिसाब से काम नहीं किया जाएगा तो डिस्प्यूट्स होंगे, और अगर हजारों लोगों के हिसाब से काम करने की सोचेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ डिस्प्यूट्स होंगे, काम का तो मतलब ही नहीं, राइट? तो इसलिए कंपनी फॉर्म बिजनेस में क्या किया जाता है कि मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेसिकली ये जो लोग हैं, लाखों लोग, हजारों लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मिलकर कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, आप कह लीजिए अपॉइंट करते हैं, ठीक है? अब ये जो अपॉइंट किए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। जिनको अपॉइंट किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। क्योंकि हम ऐसे इंसानों को अपॉइंट करना पसंद करेंगे, दोज हु आर मोस्ट कंपिटेंट, मोस्ट एलिजिबल, मोस्ट इंटेलिजेंट टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट? तो ये डायरेक्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस को, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। और अगर हम दो या दो से ज्यादा लोगों को अपॉइंट करते हैं तो हम उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी। अब होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट लाखों लोगों की है, लेकिन उस फंड को, उस पैसे को मैनेज कितने लोग कर रहे हैं? सिर्फ मुट्ठी भर लोग, दो, चार, पांच, सात, 10 डायरेक्टर्स, राइट? ऐसा पॉसिबल है कि इन डायरेक्टर्स की नियत में खोट आ जाए, कायदे से इनको इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम बेसिकली मेंबर्स बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दोज हु इन्वेस्ट द मनी इन द कंपनी। एक्चुअली मेंबर क्या होता है रियल टर्म बाद में समझेंगे, फॉर द टाइम बिंग मैं बड़ी वेग और सिंपल लैंग्वेज में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कंक्लूसिव नहीं है, कहीं आप समझो कि जो भी इन्वेस्ट करता है उसी को मेंबर कहते हैं। अगर बैंक लोन दे रहा है तो मेंबर नहीं बन गया कंपनी का, मेंबर का मतलब जो कंपनी के शेयर परचेज कर रहा है और जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है, राइट? तो अल्टीमेटली शेयर जो परचेज कर रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी के अंदर। तो जी ये लोग जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो इनकी इंटेंशन क्या होती है? कि डायरेक्टर्स कंपनी के भले के लिए काम करें, जब कंपनी का भला होगा तभी तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी, और जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तभी तो वो प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट पर उनको रिटर्न मिलेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंबर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, राइट? लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि ये जो लाखों लोग मिलकर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, वो जो डायरेक्टर्स हैं, या किसी डायरेक्टर की नियत में खोट आ सकता है और वो कंपनी एज ए होल के बेनिफिट के लिए काम ना करे बल्कि ऐसे काम करे जिसमें उसका बेनिफिट ज़्यादा हो? जैसे कि अगर मान के चलो कंपनी को एक्स वाई जेड से काम करके ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, लेकिन डायरेक्टर्स एक्स वाई जेड के साथ काम ना करके अपने किसी रिलेटिव ए बी सी के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करवा दे और ए बी सी डायरेक्टर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट दे, राइट? ऐसा पॉसिबल है? तो जी जहाँ पर हजारों लोग इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ कुछ लोग उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं, वहाँ पर ऐसे घोटाले होने के चांसेस रहते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है कि वो चंद लोग ऑनेस्टली काम ना करें, वो चंद लोग सारे ड्यू डिलीजेंस के साथ काम ना करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से ना निभाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो जी इन चंद लोगों के ऊपर कोई ना कोई वॉच रखने वाला चाहिए, कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ये देखे कि क्या डायरेक्टर्स अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या एक्चुअल में डायरेक्टर्स को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता है या नहीं पता, अपनी पावर्स के बारे में पता है या नहीं पता, क्या कंपनी टाइम टू टाइम सारे लीगल प्रोसीजर्स कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही, किसी लॉ के अंदर अगर कंपनी को कोई परमिशन लेनी है तो क्या कंपनी वो परमिशन ले रही है या नहीं ले रही,
कंपनी जो काम कर रही है वो एथिकल मैनर में कर रही है नहीं कर रही है, राइट। तो कुल मिलाकर कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो गाइड करे, किसको गाइड करे, डायरेक्टर्स को गाइड करे, कंपनी को गाइड करे, और उसे लगे कि भैया डायरेक्टर्स आर नॉट वर्किंग एज पर द इंटेंशन ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स को अलर्ट करे। उसे लगे कि यार डायरेक्टर्स आर नॉट कंप्लाइंग विद द लॉ, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अलर्ट करे, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए था जो ये सारी चीज़ों को देख सके, और मार्केट में ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं था, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सीएस प्रोफेशन का जन्म हुआ। आ जाइए जी, तो इसका मतलब सीएस कौन है एक्चुअल में, कहता है जी रियलिटी पूछिए तो सीएस को मैं दो वर्ड्स में डिफाइन करूँगा। एक हम कह सकते हैं सीएस इज अ लीगल कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जिसका काम है ये देखना कि क्या कंपनी सारे लॉज को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, किसी लीगल दिक्कत में तो कंपनी नहीं फंसने जा रही, राइट। क्योंकि अगर कंपनी किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसेगी तो कंपनी का बिजनेस अफेक्ट होगा, कंपनी का बिजनेस अफेक्ट होगा तो कंपनी अपने मेंबर्स को प्रॉफिट कैसे दे पाएगी। दूसरी चीज, एक तो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, और दूसरी चीज वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब जो अपनी नज़रें रखेगा कंपनी के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, और उसे लगेगा भैया कुछ भी गलत हो रहा है, अनएथिकल हो रहा है, मेंबर्स के साथ चीटिंग हो सकती है या लॉ के साथ कुछ चीटिंग हो सकती है, तो वो लीगल अथॉरिटीज़ को अलर्ट करेगा, मेंबर्स को अलर्ट करेगा, ठीक है। हाँ जी, इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। देखिए सबसे पहले ना इनिशियली एक नॉन स्टैचुटरी एडवाइजरी बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। फिर जी जब लगा कि हाँ एक्चुअल में सीएस की रिक्वायरमेंट है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, तो जी एक डिप्लोमा कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट, जिसे नाम दिया गया गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरीशिप, ठीक है। और इस डिप्लोमा कोर्स के एग्जाम्स कंडक्ट करती थी डीसीए, डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। अब ये डिपार्टमेंट नहीं रहा, इसकी जगह अब क्या आ गया, डीसीए की जगह अब क्या आ गया, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स डीसीए अब नहीं रहा, तो ये बात आपको नोट करनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इनिशियली कौन सा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड मैटर्स को देखता था, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। लेकिन अब क्योंकि कंपनी का स्कोप, कंपनी फॉर बिजनेस का स्कोप बहुत इंक्रीज हो गया है, और अब अगर हम बात करें सिर्फ कंपनीज को नहीं हैंडल करना, कॉरपोरेशंस को हैंडल करना है, और कॉरपोरेशन में भी अ कंपनी, में नॉट बी अ कंपनी, राइट, आगे आप समझ में आ जाएगा। तो अब इसको डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया गया है और हमारे पास पूरी मिनिस्ट्री आ गई है, पहले सिर्फ डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, अब पूरी एक मिनिस्ट्री आ गई है जिसे हम क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कंपनी अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, जो कि कंपनी के, कंपनी होम बिजनेस को भी हैंडल करती है, देखती है, और बाकी जो फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशंस है उनको भी देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक। तो इनिशियली जब ये डिप्लोमा कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया तो एग्जामिनेशंस कौन कंडक्ट कर रहा था, कहता है जी डीसीए। जब लगा कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ सक्सेसफुल है, एक्चुअल में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को या कॉरपोरेट वर्ल्ड को सीएस नाम के प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, किस लिए रिक्वायरमेंट है, फॉर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है, अभी मैंने आपको समझाया कि भैया एक कॉरपोरेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर लाखों लोगों का पैसा लगा होता है, तो उस कंपनी को अच्छे से मैनेज किए जाना बहुत ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या सारे लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, वो एथिकली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, वो कंपनी एज ए होल के बेनिफिट के लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही, वो कहीं अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए तो काम नहीं कर रही। क्योंकि अगर कंपनी डूबती है तो लाखों लोगों का पैसा डूबता है, राइट।
हाँ जी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये वर्ड अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सीएस प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो जब लगा कि सब कुछ सक्सेसफुल हो रहा है तो पूरा एक इंस्टीट्यूट सेटअप करने की बात आई। तो जी इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ICSI, राइट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब जी ये जो इनिशियली ये जो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था, ये एक सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 है, अब देखिए कंपनीज एक्ट 1956 नहीं रहा, इसको रिप्लेस कर दिया है कंपनीज एक्ट 2013 ने। हमारे पास नया कंपनी लॉ है कंपनीज एक्ट 2013, और ये जो सेक्शन 25 में जिस कंपनी के बारे में बताया हुआ था वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में बताया हुआ है। बेसिकली ये कौन सी कंपनीज है, कहता है जी जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है। कौन सी कंपनीज? नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जिन्हें हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी आज की डेट में, इन्हें हम क्या बोलेंगे? सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन इनिशियली जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो इन्हें हम क्या बोलते थे? सेक्शन 25 कंपनी। ठीक है, तो कुल मिला के इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक, मतलब अभी तक भी कोई लॉ नहीं था ICSI के लिए। ठीक, कंपनी एस्टेब्लिश हुई दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो ICSI को एडमिनिस्टर करे। तो जी सेटअप एंड रजिस्टर्ड एज सेक्शन 25 NPO कंपनी ऑन 4th October 1968। याद रहेगी ये डेट MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रहेगा सेक्शन 25 कंपनी क्या है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रहेगा कि कंपनीज एक्ट 1956 अब रिपील हो गया है। रिपील वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रिपील का मतलब पुराना लॉ खत्म हो गया है, नया लॉ आ गया है कंपनीज एक्ट 2013। देखिए अगर आप लोगों को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लेकिन साथ साथ टेक्निकल वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा मैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। राइट, टेक्निकल वर्ड्स जो भी मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा वो समझना भी पड़ेगा, वो याद भी रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने वर्ड यूज़ किया कि दिस लॉ इज रिपील्ड, रिपील, रिपील्ड का मतलब क्या है कि ये लॉ ख़त्म हो गया है और इसकी जगह नया लॉ आ गया है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बिजनेस की डायमेंशंस चेंज होती है, वैसे वैसे कमर्शियल लॉज को हमें चेंज करना पड़ता है। ये जो लॉ है ये अब पुराना हो गया था, इसके प्रोविजंस पुराने हो गए थे, और जैसे जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कंपनी फॉर्म बिजनेस एक्सपेंड होते जा रहे हैं, नए नए डायमेंशंस खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे न्यू प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट महसूस होनी शुरू हुई, तो जी इसको ख़त्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, नए लॉ को लेके आए कंपनीज एक्ट 2013। तो एट प्रेजेंट कौन सा कंपनी लॉ है? कंपनीज एक्ट 2013। और जो ये सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी, इनकॉर्पोरेट का मतलब उसके अंदर कंपनी जो रजिस्टर की जाती थी वो NPO कंपनी होती थी, और नए लॉ के अंदर NPO कंपनी कौन से सेक्शन में रजिस्टर की जाती है? सेक्शन 8 के अंदर। तो सेक्शन 25 कंपनी का हो या सेक्शन 8 कंपनी का हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, बस फर्क इतना है कि ये सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 का था, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 का है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब रिक्वायरमेंट फील होनी शुरू हुई कि जी खाली इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए इस इंस्टीट्यूट को गवर्न करने के लिए। दिस इंस्टीट्यूट शुड बी एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है? जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है। एस्टेब्लिश्ड तो किसी ना किसी लॉ के अंदर होती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करती है, जो अपने रूल्स रेगुलेशंस, एक्ट नहीं, अपने रूल्स खुद से बना सकती है, इंटरनल वर्किंग को लेके अपने कानून खुद से बना सकती है। राइट, जो अपना सिलेबस खुद से डिज़ाइन कर सकती है, फीस अपने आप खुद से डिसाइड कर सकती है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें खुद से डिसाइड कर सकती है, लेकिन वो बॉडी रहेगी मिनिस्ट्री के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर, और वो बॉडी
एस्टेब्लिश की जाती है एक लॉ के अंदर, और लॉ के अंदर ही उसके प्रोविजंस भी लिखे जाते हैं, बेसिकली उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। वो सब जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है वो लॉ के अंदर ही लिखा जाता है। इंटरनल वर्किंग वो इंस्टीट्यूट खुद से अपना डिसाइड कर सकता है। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी, जो गवर्नमेंट के अंडर है लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ में उसके इंटरफेयर नहीं करती, राइट। तो जी एक लॉ की रिक्वायरमेंट महसूस हुई जो इतनी बड़े इंस्टीट्यूट को लॉ के अंदर ही एस्टेब्लिश किया जाए तो ही बेटर है। तो जी कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 लाया गया, और जो पुराना इंस्टीट्यूट है इस इंस्टीट्यूट की जो भी पावर्स थी, जो भी एसेट्स थी, वो सब इस एक्ट में जो नया इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया, ऐसे ही होता है। आप बात समझिए, ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट अब इस एक्ट के अंदर आ गया, नहीं। इस एक्ट में जो नया इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया विद द सेम नेम, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, राइट, विद द सेम नेम, तो इस एक्ट में जो नया इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया उस इंस्टीट्यूट को इसकी सारी पावर, सारे फंक्शन, सारी एसेट्स हैंड ओवर करवा दी गई। तो जो पुराना जो सेक्शन 25 कंपनी के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था वो ख़त्म हो गया, और जो करंटली हमारे पास है वो ये वाला इंस्टीट्यूट है विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। यहाँ तक क्लियर? तो इसका मतलब नाउ ICSI इज अ स्टैचुटरी बॉडी। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? स्टैचुटरी बॉडी। स्टैचुटरी बॉडी का मतलब अ बॉडी विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट, जो किसी ना किसी लॉ के अंदर एस्टेब्लिश की जाती है उस बॉडी को हम बोलते हैं स्टैचुटरी बॉडी। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो क्या आप स्टैचुटरी बॉडी है? द आंसर इज नो। अगर आप कोई कंपनी बनाकर काम कर रहे हैं तो क्या आप स्टैचुटरी बॉडी है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड भी करवाते हैं तो आप सिंपली उसको रजिस्टर करवा रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप उस एक्ट के थ्रू नहीं बन रही है। अगर कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप सिंपली उसे रजिस्टर करवा रहे हैं, आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट के थ्रू नहीं बन रही है। लेकिन जो स्पेसिफिक बॉडी एक्ट के थ्रू बने, कि एक्ट में ही लिखा हो कि जी ये बनेगी, इसके ये काम है, ये फंक्शंस है, इसकी ये पावर्स है, राइट, तो उसे हम बोलते हैं स्टैचुटरी बॉडी। स्टैच्यूट मीन्स लॉ, तो वहां से बड़ा है स्टैचुटरी मीन्स लीगल बॉडी विच इज एस्टेब्लिश्ड विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेसिफिक लॉ। यहां तक क्लियर? तो जी करंटली हमारे पास ये जो ICSI है, दिस इज अ स्टैचुटरी बॉडी विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो जी क्या हमें, मतलब CS प्रोफेशन को कोई लॉ गवर्न करता है? आपके सामने ये लॉ गवर्न करता है। उसके अलावा जो CS रेगुलेशंस है वो गवर्न करते हैं। उसके अलावा यहां पर काउंसिल्स है, ICSI में काउंसिल्स है, सेंट्रल लेवल पर भी और रीजनल लेवल पर भी, ठीक है। तो जो सेंट्रल लेवल पर काउंसिल्स हैं, रीजनल लेवल पर काउंसिल्स हैं, तो वो भी बायलॉज बना सकती है, और वो बायलॉज के थ्रू ही इंटरनल वर्किंग गवर्न की जाती है, ठीक है जी। तो जी इस एक्ट ने बताया हु इज कंपनी सेक्रेटरी, और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 21C के अंदर, राइट। ये कैसे पढ़ना है वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा, डिटेल्ड में समझाऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे पहला काम, 3-4-5 क्लासेस लग जाए चाहे, सबसे पहला काम लीगल सेंस क्रिएट करना है आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी आज तक लॉ को पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो जी एक्ट ने क्या कहा? कहता है भैया जो भी ICSI का मेंबर होगा वही CS कहलाएगा, सिर्फ वही CS कहलाएगा। कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो जो ICSI का मेंबर होगा सिर्फ उसी को ही कंपनी सेक्रेटरी बोला जाएगा। इसका मतलब सर क्या प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद हम CS बन जाएंगे? द आंसर इज नो। इवन प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद भी आप अपने नाम के आगे CS नहीं लगा सकते। जब तक प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद, जो लास्ट स्टेज है, सारी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आप ICSI को रिक्वेस्ट करोगे कि भैया मुझे एज ए मेंबर रजिस्टर किया जाए,
आईसीएसआई आपको एज ए मेंबर अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करेगा, आपको मेंबरशिप नंबर देगा। जब मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगा सिर्फ तभी आप अपने नाम के आगे सीएस लगा सकते हो, सिर्फ तभी आप कंपनी सेक्रेटरी कहलाओगे। सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने से या ट्रेनिंग कंप्लीट करने से आप अपने आप को सीएस नहीं कह सकते, ठीक है जी। हाँ जी, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीन्स अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 2 क्लोज 24 के अंदर, राइट। अब मैंने कहा सेक्शन 2 क्लोज 24, यहाँ पर मैं कहूँगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, ऐसा क्यों, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज सी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, who is appointed by a company to perform the functions of the company secretary under Companies Act 2013। तो जी Companies Act 2013 ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया कंपनी सेक्रेटरी का मतलब वही है जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर बताया हुआ है, मीन्स द पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ ICSI प्लस, यहां पर मैं प्लस ऐड कर रहा हूं, प्लस मान के चलिए मिस्टर ए जिसके पास ICSI का मेंबरशिप नंबर है, उसको कंपनी अपॉइंट करती है, उसको कंपनी जॉब देती है, कोई कंपनी लेट्स से रिलायंस उसको जॉब पर रख रही है। अब ये देखना है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि भैया ये देखना है जिसको कंपनी अपॉइंट कर रही है चाहे वो ICSI का मेंबर है चाहे वो CS है, क्या उसे CS की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जा रहा है या किसी और पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। अगर CS की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जा रहा है फिर तो वो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कहलाएगा, रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी कहलाएगा। अगर उसे किसी और पोजीशन पर अपॉइंट किया जा रहा है लेट से एज अ मैनेजर, तो चाहे वो ICSI का मेंबर है फिर भी उसे कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दैट पर्सन ऑल्दो इज द मेंबर ऑफ ICSI इज नॉट होल्डिंग द पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द कंपनी, राइट। तो सिर्फ CS की डिग्री आपके पास है, CS की मेंबरशिप आपके पास है, उससे आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन जाओगे जब तक आपको वो कंपनी एज कंपनी सेक्रेटरी अपनी कंपनी में अपॉइंट नहीं करती। तो जी जो फंक्शन से कंपनी सेक्रेटरी को परफॉर्म करने चाहिए, जब तक उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा तब तक आप उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहलाएंगे, क्लियर है जी। अब जी क्या फंक्शंस है, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शंस मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि एज ए CS अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज ए CS तो जी हमारे क्या फंक्शंस है। तो जी सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये देखिए कंपनीज एक्ट ये आपका ब्रेड एंड बटर है, इनफैक्ट मैं कहूँ ये आपका ब्लड है, खून में दौड़ना चाहिए ये एक्ट, इसको तो ऐसे याद होना चाहिए इसके एक एक प्रोविजन कि अपना नाम भूल जाओ पर इसका कोई प्रोविजन मत भूलिए, अल्टीमेटली इसी ने आपको रोटी देनी है। हाँ जी द फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी शैल इंक्लूड, कहता है शैल इंक्लूड, इंक्लूड वर्ड यूज किया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, कोई भी डेफिनेशन लॉ के अंदर दो तरह की होती है, एक होती है इंक्लूसिव एक होती है एग्जॉस्टिव, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी डेफिनेशन लॉ के अंदर दो तरह की होती है, एक होती है इंक्लूसिव एक होती है एग्जॉस्टिव, या फिर इन दोनों को मिलाकर भी बनाई जा सकती है इंक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव, ठीक है। अगर डेफिनेशन में दिया हुआ है शैल इंक्लूड, सिर्फ एक वर्ड यूज किया हुआ है इंक्लूड, इसका मतलब भैया ये जो दिया हुआ है डेफिनेशन में वो तो है ही है, उसके अलावा भी टाइम टू टाइम और मैटर्स बताए जा सकते हैं, तो दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब वेयर द लिस्ट इज नॉट कन्फाइंड इज नॉट कॉन्क्लूसिव, जो हम दे रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा टाइम टू टाइम बाय कोर्ट बाय गवर्नमेंट और भी चीजें ऐड की जा सकती है, ठीक। एग्जॉस्टिव का मतलब अगर मैं लिखता कि द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज का मतलब अब कुछ और इंक्लूड करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बस यही फंक्शन है उसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये एग्जॉस्टिव बन जाती है। तो कोई भी डेफिनेशन एग्जॉस्टिव कब होती है, जब वो कन्फाइंड होती है कि भाई जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है बस दैट्स इट, ना इसमें से कुछ डिलीट किया जाएगा ना इसके अंदर कुछ ऐड किया जाएगा, ठीक है। और हम लिख दे कि लेट्स से कंपनी मींस एंड इंक्लूड्स, तो ये एग्जॉस्टिव भी होगी, कंपनी मींस एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूड्स इंक्लूसिव दोनों हो गई,
तो जी कंपनी मीन्स एंड इंक्लूड्स का नीचे जो भी लाइन दे रखी होगी कि भाई ये तो है ही है, एंड इंक्लूड्स का मतलब और भी चीज़ें ऐड की जा सकती है, राइट। तो जी यहाँ पर फॉर द टाइमिंग दिमाग में क्या रखें, धीरे धीरे जो फोल्ड्स वो खुलते रहेंगे, सारा स्ट्रेस एक ही क्लास में मत लीजिएगा, और बहुत लंबी क्लासेस मैं नहीं लूँगा इनिशियली, 30-35-40 मिनट्स की क्लासेस ही मैं अपलोड करूँगा, तो सारा स्ट्रेस एक ही क्लास में मत लीजिएगा, बस जो बताता जा रहा हूँ उसको दिमाग में रखिएगा, इतना सा काम कर लीजिएगा, आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा दूँगा फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। तो दो डेफिनेशंस जो मैंने बताई, एक इंक्लूसिव एक एग्जॉस्टिव, फॉर द टाइमिंग नाम भी याद रख लेंगे तो भी मेरे लिए चलेगा, ठीक है जी। तो क्या फंक्शंस है जी कंपनी सेक्रेटरीज सेक्रेटरी के, कहता है सेक्शन 205 में क्लियर कट बताया हुआ है कंपनीज एक्ट के, टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर एंड अदर लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी। तो जी सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये बताना है कि भैया किस किस लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और किस किस लॉ के अंदर कंपनी को क्या क्या प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं, राइट। तो क्लियर कट यहाँ से क्या आया कि यह कंपनी सेक्रेटरी इज अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो भैया जब सारे लॉज के बारे में पता होगा तभी तो आप कंपनी को एडवाइस देने वाले हो कि भैया आपके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, इस लॉ के ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है, आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर इस डेट तक ये प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं। तो बहुत डीप और बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए, ठीक। टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। देखिए लॉ तो गवर्नमेंट बनाती है, कैसे बनाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ICSI इशू करती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इशूड बाय ICSI, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICSI वो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या है, कहता है जी ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं बाय द ICSI कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको ऐसे काम करना है, इस सिचुएशन को आपको ऐसे डील करनी है। तो अगर हम स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर देंगे तो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से चीज़ों को कंप्लाई नहीं किया जाएगा, हर कंपनी के अंदर सेम तरह से चीज़ों को कंप्लाई किया जाएगा बाय द कंपनी सेक्रेटरी। और स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी है, राइट, ताकि जो अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है गवर्नमेंट के दिमाग में भी, स्टेक होल्डर्स के दिमाग में भी। अगर सेम पैटर्न होगा सबका काम करने का, सारे CS सेम चीज़ों को फॉलो करेंगे, सेम तरह से काम करेंगे, तो लोगों के माइंड में क्लियर होगा कि सिचुएशन में तो ऐसा ही किया जाता है, राइट। तो जी जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ICSI इशू करे टाइम टू टाइम, उस सब वो कंपनी वो सारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करे, ये चीज़ का ध्यान रखना भी CS का काम है। एज द मेंबर ऑफ ICSI कम से कम ICSI जो आपको कह रहा है उसका ध्यान रखना तो आपका काम है। फिर जी टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल 10 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014। अभी आपको ये रूल 10 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्शन 205 जरूर याद रखिए, क्योंकि सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको बता रहा है फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब जी रूल 10 आपको याद रहे ना रहे कि रूल 10 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल ये क्या है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि हाँ सेक्शन 205 ने कहा कि जो रूल 10 में बताया हुआ है वो भी ड्यूटीज़ है कंपनी सेक्रेटरी की, तो जी वो क्या है वो दिमाग में रखिए। कहता है टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज दे मे रिक्वायर विद रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। देखिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है कि आप कंपनी के डायरेक्टर्स को बताइए कि जी आपकी ये ड्यूटीज़ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये पावर्स है, आपको ऐसे काम करना चाहिए, इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना चाहिए, और ये चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी, इन डेप्थ नॉलेज होगी, राइट। टू फैसिलिटेट द कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग एंड अटेंड बोर्ड कमेटी एंड जनरल मीटिंग्स एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दीज मीटिंग। तो जी कंपनी की चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, चाहे मेंबर्स की मीटिंग हो, चाहे कोई और मीटिंग हो, उन सारी मीटिंग्स को प्रॉपरली करवाना, कंडक्ट करना, और उन सब मीटिंग्स में क्या क्या डिसीजंस लिए गए उस चीज़ को नोट करना, जिसे हम क्या बोलते हैं मिनट्स।
मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स का मतलब कि जो हम लिखते हैं कि जी मीटिंग के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई, ये चीज़ें अप्रूव की गई, फाइनलाइज की गई, तो उसे हम बोलते हैं मिनट्स, याद रहेगा, उसे हम बोलते हैं मिनट्स। और जिस बुक में लिखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं मिनट्स बुक, ठीक है। तो ये भी सीएस का काम है। टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, जनरल मीटिंग एंड द गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटीज एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जी कंपनी को जहाँ भी जिस भी लॉ के अंदर कोई भी अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ का ध्यान रखना आपका काम है, और कंपनी के बिहाफ पर वो अप्रूवल लेना एज ए सीएस आपका काम है। टू प्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स, जैसे कि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट, तो अलग अलग रेगुलेटर्स, अलग अलग अथॉरिटीज़ के सामने आप कंपनी को प्रेजेंट करने जा रहे हो, राइट। तो यू शैल एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंपनी, इंटरफेस बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, इंटरफेस बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द कंपनी, एंड इंटरफेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द कंपनी। इवन कंपनी और कंपनी की मैनेजमेंट के बीच का जो हम कहेंगे कड़ी, वो भी आप ही बनने जा रहे हो। टू असिस्ट द बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड इन एंश्योरिंग गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, राइट। एथिकली काम किया जाए, सब कुछ सोचकर समझकर, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि फॉर द कंपनी एज अ होल, फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी काम करना है, एंड कंप्लाइंग विद द कॉरपोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर एनी एक्ट और रूल, सच अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भैया अब मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि सीएस अकेला ऐसा प्रोफेशन है जो आपको डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल तक ले जाता है, और कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है इंडिया में जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक जोड़ सके। सिर्फ सीएस ऐसा प्रोफेशन है, तो आई थिंक इससे बेटर प्रोफेशन हो ही नहीं सकता, राइट। ग्रोथ के चांसेस अनलिमिटेड है। आ जाओ जी मेंबरशिप इन ICSI। देखिए दो तरह की मेंबरशिप होती है ICSI में, एक तो एसोसिएट मेंबरशिप होती है, एक फेलो मेंबरशिप होती है। पहले 5 साल तक, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि जब आप ICSI की मेंबरशिप लेते हो, आफ्टर क्लियरिंग ऑल द एग्जाम्स, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ट्रेनिंग, आफ्टर कंप्लाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जब आप ICSI की मेंबरशिप लेते हो, तो पहले 5 साल तक तो आप क्या कहलाओगे, ACS, ठीक है, एसोसिएट मेंबर, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। 5 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर फेलो मेंबरशिप। फेलो मेंबरशिप मींस सीनियोरिटी, कि अब मैं 5 साल इस फील्ड में हो चुके हैं, अब मुझे फेलो मेंबरशिप चाहिए सीनियोरिटी के बेसिस पर, राइट। कि भाई फेलो मेंबरशिप अपने आप में क्या डिनोट कर रही है, कि यस ही इज अ सीनियर पर्सन इन दिस फील्ड, राइट। तो जी इन केस ऑफ PCS, अगर आप एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वर्क कर रहे हैं, जहां पर हम लोग इंडिपेंडेंटली, मतलब एक CS इंडिपेंडेंटली अपनी सर्विसेज अलग अलग कंपनीज को देता है, जैसे CA प्रैक्टिस करता है वैसे CS भी प्रैक्टिस करता है, तो कहता है जी 5 साल के बाद, अगर आप जॉब में हैं एक कंपनी में एज ए CS जॉब कर रहे हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन अप्लाई फॉर फेलो मेंबरशिप। उस केस के अंदर आपसे कुछ टेस्ट लिया जा सकता है एज पर द रेगुलेशंस ऑफ ICSI, और आपका एक्सपीरियंस देखा जा सकता है। अगर लगेगा कि यस यू आर नाउ सीनियर, यू आर नाउ मैच्योर्ड इन दिस प्रोफेशन, तो आपको फेलो मेंबरशिप दे दी जाएगी, ठीक है। हाँ जी, स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कहता है, या तो आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी जॉब कर सकते हैं, या आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ICSI की मेंबरशिप तो चाहिए चाहिए, इसके बिना तो आप ICSI के मेंबर ही कंसीडर नहीं किए जाओगे। इसके साथ साथ आपको CP नंबर भी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर। तो यहां पर बेसिकली आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, एक मेंबरशिप नंबर और एक CP नंबर। अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हो तो ओनली मेंबरशिप नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए जी, इतनी नॉलेज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई थिंक आपके लिए सफिशियंट है।
तो सीएस बनने के बाद आप कंपनी में एज ए सीएस जॉब भी कर सकते हो, और अगर आप कंपनी में एज ए सीएस जॉब कर रहे हो तो आपकी, ये तो सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर बताई हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी, अलग अलग लॉज में आपको अलग अलग पोजीशन दी गई है, आपके पास अलग अलग पावर्स दिए गए हैं, अलग अलग स्कोप्स दिए गए हैं, राइट। तो बहुत डिग्निटी वाला प्रोफेशन है और बहुत स्कोप है इस प्रोफेशन के अंदर, ठीक है जी। आप जॉब कर सकते हैं, आप जैसे सीए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे देखिए एक डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, दूसरा नर्सिंग होम खोल के बैठा है, खुद से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, इसी तरह आप एज ए जॉब कंपनी में एज ए सीएस जॉब कर सकते हैं, या आप अपना ऑफिस खोल के बैठ सकते हैं एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और अलग अलग कंपनीज को आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। कैसे सर्विसेज? कोई आएगा कि जी हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आप अपनी सर्विसेज देंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने में। कोई आएगा जी हमें एमसीए से नोटिस आया है, हमने ये डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो जी आप हमारे बिहाफ पर एमसीए को रिप्रेजेंट, मतलब हमें एमसीए के सामने रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप अपनी वो सर्विसेज देंगे। तो बहुत सारी सर्विसेज दे सकता है एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, धीरे धीरे आपको इस चीज़ की नॉलेज होती रहेगी, ठीक है जी। अब एक दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट, वो क्या है कि वॉट इज़ लॉ। आप लोगों ने सुना है कानून क्या होता है, आप हर बार ये वर्ड यूज़ भी करते हैं, लेकिन अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज़ लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि लॉ क्या होता है, इंडिया में लॉ कैसे बनाया जाता है, लॉ के कितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जैसे आपने सुना होगा एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, बायलॉज, तो इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो ये चीज़ समझेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक्ट पढ़ना सिखाऊंगा सबसे पहले, कि किसी भी लॉ के कितने पार्ट्स होते हैं और उसको पढ़ना कैसे है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक फर्स्ट चैप्टर पहले तो ये था कि मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करना। पहले मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करूँगा, जो कि थोड़ा सा इजी है समझने में, लेंदी है बट थोड़ा सा इजी है समझने में, और इसको पढ़ाते पढ़ाते आई थिंक मैं आपको इतना तो समझा ही दूंगा कि लॉ को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर।